शिमला के कृष्णानगर में आज सुबह आगजनी की दुखद घटना सामने आई है। आग लगने से रविदास कॉलोनी कृष्णानगर में चंदन कुमार पुत्र उमेश कुमार के ढारे में अचानक आग भड़क गई, जिस कारण दो ढारे जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना में दो गैस सिलेंडर भी फटे हैं। मौके पर पहुंचे फायर ऑफिसर महेश कुमार शर्मा ने बताया कि हाइड्रेंट की मदद से लगभग 27 दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। उन्होंने बताया कि इस घटना में करीब 80,000 का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही घर में रखा सामान भी जलकर राख हो गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति पेशे से मिस्त्री का काम करता है और वे लोग सुबह ही अपने काम के लिए जा चुके थे। स्थानीय लोगों के अनुसार धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज़ दूर तक गई। आग की सूचना मिलने पर लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी खबर दी, जिसके बाद दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। फायर ऑफिसर के अनुसार प्रथम दृष्टि में आग लगने का कारण गैस लीकेज लग रही है, जिस कारण ये हादसा पेश आया। ओ बीच में। ये जो हमारे को आग की इन्फॉर्मेशन दी है 11:05 में फायर स्टेशन माल रोड में हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली, हमने तुरंत 5 वाटर एक्सटिंग्विशर जो हमारे व्हीकल होते हैं वो स्पॉट के लिए भेजे, परंतु यहाँ पर ऐसा हुआ कि कार्ट रोड से नीचे यहाँ तक गाड़ियाँ स्पॉट तक नहीं पहुँच पाती है। हमने क्या किया, तुरंत होज लाइन वहाँ से बिछा के स्पॉट पर ब्रांच के साथ पानी यूज करके आग को कम्प्लीटली बुझाया गया। ये जो आग लगी हुई थी ये ढारानुमा दो आदमियों का था, इनका नाम था, एक का नाम था चंदन और दूसरे का नाम था हरजाक। बात करें अगर नुकसान की तो कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान उसे असेस करें लगभग 87,000 का तो है इसमें नुकसान जो हुआ है। कुछ इसमें अभी कैश भी प्राप्त हुआ है लगभग 10,000 के लगभग, जो बता रहे हैं जो ऑनर है उन्होंने रिसीव किया है। इसमें 3 सिलेंडर थे, 3 में से 1 सिलेंडर से बाहर को निकाला है, 2 सिलेंडर फटे हुए बताए जा रहे थे, 1 फटा हुआ सिलेंडर भी हमने बाहर निकाल दिया है। इसमें लाइफ लॉस कोई भी नहीं है। किसी तरह की जानी नुकसान नहीं, इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं है। फायर सर्विस का एक्शन इसमें क्विकली हुआ है।